कोरोना महामारी के बीच अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है। अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार से दोनों चीनी ऐप यूएस ऐप स्टोर से हटा दिए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चीनी ऐप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कंपनियां अमेरिकी यूजर्स का निजी डेटा चीन को दे सकती हैं। हालांकि चीन की सरकार और चीनी कंपनियां लगातार इन आरोपों को खारिज करती आई हैं। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर टिकटॉक ने कहा कि वो अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के आदेश से निराश और असहमत हैं। कंपनी ने कहा कि वो पहले ही ट्रंप प्रशासन की चिंताओं के मद्देनजर अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का ये कदम हैरान करने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पाबंदी का ये आदेश आने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगस्त में ही एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इस आदेश में अमेरिकी कारोबारियों को इन चीनी कंपनियों के साथ काम करने से रोकने के लिए 45 दिन का समय दिया गया था। हालांकि टिकटॉक के अमेरिका में बने रहने की एक उम्मीद अभी भी जरूर बची है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका टेक कंपनी ओरेकल और टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाइटडांस के बीच करार हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी मिल जाती है तो ये बैन निष्प्रभावी हो जाएगा।